ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे नए वीडियो के अंदर। और गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। वेल शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है ना, वो आज हम देखने वाले हैं रोब्लॉक्स के अंदर। वेल माइनक्राफ्ट में तो हमने देखा, बट आज देखने वाले हैं रोब्लॉक्स के अंदर और पूरा रियल। भाई जो बनाया है, जिसने भी बनाया है, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर। भाई डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप विजिट कर पाओगे और शिरडी साईं बाबा का मंदिर। तो चलो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसकी जो भी सीन है ना, यहाँ पे देखो वन दबाएंगे तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो साईं बाबा की पालकी आएगी। भाई ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ये देखो टू पे अलग सवारी है, फिर इससे प्रभु के सामने हैंड्स रेस्ट, फोर पे है घंटी, और उसके बाद फाइव पे है कर्पूर, सिक्स पे क्या है ये देखो आरती है, सात पे ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़े रखा है, आठ पे है आरती, और नौ पे भी दूसरी टाइप की आरती है, कोई अलग आरती है, और ये धूप है। तो भाई ये सारे एनिमेशंस इंक्लूडेड है साईं बाबा का जो मंदिर है वहाँ। हाँ गाइस, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको पिल्लर दिख रहा है, जो है स्तंभ दिख रहा है इस तरफ सबसे पहले, तो ठीक है ये जो देख रहे हो आप, ये सबसे पहले तो आपको ये स्तंभ दिख रहा है। और स्तंभ के बाद यहाँ पे जैसे ही एंट्री गेट है ना, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर का, यहाँ पे है छावड़ी। अब यहाँ पे साड़ी पहन सकते हो आप, और यहाँ पे ये क्लोथ्स पहन सकते हो भाई। तो अब ये टूल सिलेक्ट कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, आई मीन विदाउट परमिशन, ओके, मतलब नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है वो तो कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे भी जो है ये जो भी है होटल टाइप का सब सीन है, तो आई गेस यहाँ पे भी देखो पूरा रूम्स वगैरह एंड दैट ऑल है, ठीक है। और पर कुछ अलग लिखा था वैसे, कैमरा बोर्ड लिखा है, एसपीआर कैमरा बोर्ड। ये है अंदर मंदिर और ये है मेन एंट्री गेट, और यहाँ पे एरो भी दिखाया गया है, तो विल गेट द रास्ता, ठीक है। एंट्री गेट शिरडी साईं बाबा मंदिर का, और जैसे ही एंटर होते यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद जो बाजू में जो मंदिर है, ये है दक्षिण मुखी हनुमान, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, एंटर होते यहाँ पे भी। और ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान, जय कष्टभंजन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी और देवी देवता है, ये है विद्या गणपति पप्पा। फिर उसके बाद है श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, बहुत बेहतरीन, सारी की सारी स्टोन कार्व्ड। और शनिदेव जो है शनि महाराज, तो यहाँ पे इनका भी मंदिर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है। और उसके बाद सामने आपको दिख रहा है साईं बाबा का मंदिर, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी देखो ये सारा लिखा है, शिरडी साईं बाबा दिवाली लक्ष्मी माता कुबेर भगवान पूजा यहाँ पे, अच्छा ओके। और गाइस जो जिसने मैप बनाया उसका यूट्यूब चैनल है, डू सब्सक्राइब इस चैनल एज वेल, साईं भक्त टीवी लाइव, ठीक है। वैसे आई गेस इसका ऐड दिया गया है जो भी बंदा है उसका। और भाई अब डे हो चुका है, मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, हमको दर्शन भी होंगे यहाँ पे। ये दत्तात्रेय, तो गुरु दत्त जो है इनकी यहाँ पे हमको प्रतिमा दिख रही है, और यहाँ पे इनके जो तीनों मुख है बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और सामने भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, मेन मंदिर तो अभी अंदर है भाई, वो तो बहुत बेहतरीन है जो आ ही गया है ऑलमोस्ट। ये भोलेनाथ जी के यहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे द्वार ये वाले जो है ये मंदिर के बंद है, बट क्या अंदर जा सकते हैं? अच्छा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, काइंड ऑफ स्टोरेज, अब पता नहीं ये क्या बनाया है, बट मंदिर है। अब ये है मुख्य मंदिर जो है साईं बाबा का, और यहाँ पे सामने भी एक गेट है, यहाँ पे भी एक गेट है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो जैसे ही एंटर होते हैं ना, ये यहाँ पे हमको साईं बाबा के दर्शन होते हैं, मतलब मेन मंदिर नहीं है फिलहाल, जो ये क्या है द्वारका माई, ओके द्वारका माई भी है भाई, क्या बात है, ये बहुत अच्छा बना, कैमराज वगैरह भी लगा है। और यहाँ पे देखे तो जो धुनी है, और यहाँ पे साईं बाबा का जो स्थल है वो द्वारका माई भी बनाया गया है भाई, काफ़ी बढ़िया। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि जो भी बंदे ने बनाया है भाई, लुकिंग प्रिटी गुड।
ठीक है, तो ये तो भाई द्वारका माँ है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है वो मेन मंदिर जो साईं बाबा का जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो सामने की साइड दिख रहा है बड़ा सा शिखर, तो ये मंदिर में आप जाने का रास्ता है उस तरफ से, तो लेट्स गो। और शिरडी कौन कौन गया है जरूर से बताना यार इन द कमेंट सेक्शन गाइज, लाइक कर दो, चैनल पे नो यू कैन सपोर्ट विद द सुपर थैंक्स एज वेल गाइज, सुपर थैंक्स दे सकते हो, और वहां से आप जैसे लाइव स्ट्रीम्स में डोनेट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये रहे साईं बाबा के दर्शन, हमको यहाँ से हो रहे लेकिन अंदर चलते हैं, और यहाँ पे और भी चीजें हो वो मैं दिखाता हूँ, बट पहले अंदर चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको बाकी की चीजें दिखाऊंगा। तो मंदिर बहुत बड़ा है, जैसे ही हम एंटर होते हैं ना यहाँ पे हमको साईं बाबा के दर्शन होंगे, और शिरडी एकदम हूबहू बनाया है भाई, साईं बाबा का जो आइडल है भाई क्या ही बेहतरीन, ये पूरा गोल्ड का, और यहाँ पे समाधि एंड एवरीथिंग। तो यस, ये देखो यहाँ से भी करीब से दर्शन होंगे, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है भाई यहाँ से, और ये चरण चिन्ह जो है साईं बाबा के, तो यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं जय साईनाथ, ठीक है, ये समाधि स्थल है और ये प्रतिमा उनकी, तो इधर से हम दर्शन करेंगे प्रतिमा, और ये देखो भाई साईं बाबा का जो आइडल है वहाँ पे श्रद्धा एंड सबूरी भाई बहुत बेहतरीन, और यहाँ पे ये जो आप दर्शन कर सकते हो साईं बाबा के काफी बेहतरीन लग रहा है भाई, काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और यहाँ पे तो खैर आई गेस एक भी डोर नहीं है, और यहाँ पे भी एक तस्वीर है रियल वाली अगर आप दर्शन करना चाहे तो, और यहाँ पे है भजन के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वगैरह माइक्स वगैरह है आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, तो भाई एकदम रियलिस्टिक लग रहा है गाइज, और आप भी ट्राई करो यार ये मंदिर विजिट कीजिए, ठीक है भाई। रोब्लॉक्स भाई, रोब्लॉक्स अलग लेवल है, मतलब इट्स प्रिटी गुड जो बनाया है, जो ओरिजिनल आपको इसमें लगेगा वो अलग पूरा, ठीक है। और अब यहाँ से अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो ये जो है ना इसके ऊपर क्या चढ़ सकते हैं, ये अब ये मेरे को देखना है, जी हाँ शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो दर्शन करेंगे ऊपर से भी और टॉप व्यू भी दिखाऊंगा भाई, क्या ही व्यू आ रहा है इधर से भाई, ऊपर तक जा सकते हैं ये बेहतर है, ठीक है भाई। अब यहाँ यहाँ भी चढ़ पा रहा हूं मैं, वाह चलो, ये एकदम शिखर के ऊपर हम पहुंच गए हैं साईं बाबा के मंदिर के ऊपर, और भाई क्या ही बेहतरीन, ये देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और सनसेट का भी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है गाइस वैसे, बट लुकिंग प्रिटी गुड भाई, बहुत अमेजिंग बना है। और इधर ये जो है मंदिर साईं बाबा का, और अब बारी है एग्जिट गेट के तरफ जाने की, तो यहाँ पे भी हमको बहुत कुछ और भी देखने को मिल रहा है, मैं दिखाता हूँ और क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ पे एक वृक्ष भी है और साथ ही में यहाँ पे देखो एग्जिट गेट है, तो उसके पहले यहाँ पे हमको बहुत कुछ और भी देखने को मिल रहा है, पाव भाजी का सेंटर है, नाश्ते का सेंटर है, एवरीथिंग भाई, मतलब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो तो यहाँ से मतलब अच्छा ऐसे कर्टेन है, ओके, यहाँ पे देखो लाइन्स है और ये सब बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो जो वृक्ष था उसका भी कुछ है, ये है क्या वैसे, अच्छा ओके, ये वृक्ष है गाइस, यहाँ पे साईं बाबा का भी कुछ है, तो मुझे तो फिलहाल याद नहीं, मैं छोटा सा तब गया था गाइस, सो आई डोंट रिमेम्बर क्या है, कमेंट करके बताओ। और जय साईनाथ, ये वृक्ष है भाई, काफी बेहतरीन दिख रहा है ये, और जो मैं पाव भाजी सेंटर बता रहा था ना भाई, पाव भाजी सेंटर भी है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये कौन सा हॉल है, द्वारका माई कॉन्वेंशन हॉल, और यहाँ पे देखो विठल विठल क्या लिखा है, अच्छा भजन मंडली 20, ओके, तो यहाँ पे हॉल भी है भाई, लेकिन यहाँ पे क्या हम जा सकते हैं, अब ऊपर क्या क्या बनाया हुआ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेट्स सी। अच्छा भाई बहुत बेहतरीन, हॉल में भी सब सुविधाएं हैं, ये देखो पांडुरंगा, अरे हॉल में भी काफी सुविधाएं हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो जो भजन मंडली है ना, तो ये हॉल में भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। और पाव भाजी भाई, पाव भाजी मैं कब से बोल रहा हूँ बट बता ही नहीं रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ गाइस फाइनली, जो ये ऑटोमेटिक गेट है भाई, वाह
मजा आ गई भाई। और वंस अगेन नाइट हो चुकी है यहाँ पे, रात को ही वैसे मजा है भाई। ये रहा, और भाई गाइज ये तो मैं बताना ही भूल गया भाई, यहाँ पे भी देखो फोटोज वगैरह मिलते हैं, और भाई साईं बाबा का आइडल मिलता है छोटा छोटा, ये देखो आप देख सकते हो यार, आइडल्स फोटो फ्रेम्स एक्रेलिक टाइप के फोटो फ्रेम्स, तो मतलब साईं बाबा के आइडल्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, पूजा का सामान सारा मिल रहा है, माला वगैरह सब कुछ है। तो भाई मंदिर में जाएं उससे पहले यहाँ से सारा सामान आप ले सकते हो। ऑलरेडी एक बंदा भी है यहाँ पे बेचने के लिए, ये अनानास यानी पाइनएप्पल्स का भी यहाँ पे लारी लगा हुआ है भाई, तो ये भी काफी बढ़िया है स्टॉल। ये रहा पाव भाजी, और गई पाव भाजी भाई किसकी फेवरेट है बताओ यार, अब यहाँ पे पाव भाजी बना हुआ है कि नहीं ये तो मुझे देखना पड़ेगा, बट आई वॉन्ट टू ईट यार, नाम सुन के मुंह में पानी आ गया यार, और बना हुआ तो दिख तो रहा है। ओके तो यहाँ पे अरे ये कुर्सी, हाँ इसके ऊपर ये रहो पाव भाजी, तो भाई ये पाव भाजी का भी यहाँ पे थैला है, और समोसा भाई समोसा तो हर किसी को पसंद है वैसे, अपने बंदो सुनो समोसा, तो यहाँ पे समोसा का भी थैला है, ब्रेड्स भी दिख रहा है। तो भाई ओवरऑल आई वुड रेट दिस 10 out of 10, मतलब इसको रेट भी नहीं कर सकते, उतना अच्छा बेहतरीन बनाया है भाई। और यहाँ पे भी कुछ है, रुको ये भी हम देख लेते हैं, रात होते ही यहाँ पे सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है भाई, ठीक है ये बहुत अच्छी चीज है, बेहतरीन चीज है। और ये देखो यहाँ पे भी जो है ये स्टैचू है जो कार्विंग है डांसिंग वाले, ये भी काफी बढ़िया। यहाँ पे आपको दिख रहा है UDI करके, तो यहाँ पे भी एक काउंटर है। तो गाइज ये था शिरडी साईं बाबा का मंदिर इन रॉब्लॉक्स भाई, पूरा अगर आप दूर से ही देखो ना फिर भी आपको पता चल जाएगा भाई क्या ही रियलिस्टिक है। तो गाइज बताओ यार कैसा लगा ये मंदिर शिरडी साईं बाबा का रॉब्लॉक्स के अंदर, एंड अगर आपको भी विजिट करना है भाई जरूर कीजिए, लिंक दे रहा हूँ ठीक है इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, ज्यादा बेहतरीन बनाया है, लव्ड इट, एंड जय साईनाथ।